हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जानेंगे कि मिनी इन्वर्टर कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में इन्वर्टर खरीदा भी होगा, लेकिन आज हम लोग देखेंगे मिनी इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैटरी है, 8 एम्पियर का बैटरी है और 12 वोल्ट, 8 एम्पियर 12 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, 12 वोल्ट और 8 एम्पियर है। 6 मंथ का वारंटी है। ये देखिए पेकॉन पावर प्राइम का हमने ख़रीदा है, इधर से आप देख सकते हैं। इसका बड़ा बैटरी भी आता है। अब देखिए दोस्तों, इसके हम अंदर वाला खोल के दिखाते हैं। देखिए अंदर का बैटरी ऐसा ही रहता है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव्ड है। अब हम इसका चार्जर के दिखा देते हैं। ये जो बैटरी है, बैटरी का चार्जर, ये देखिए जो हमने शुरू में दिखाया था ब्लू का, यही है बैटरी का चार्जर। यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इधर है दो चीज़। तो आपको सबसे शुरू में समझ नहीं आया होगा कि ये क्या चीज़ का है, ये क्या चीज़ का है। जो ये ब्लैक का तार है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी में डालना है, जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, जहाँ से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है। और इसे आपको इस दोनों में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका वीडियो नहीं बनाएंगे, इसका हम अलग पार्ट में वीडियो करेंगे। अभी हम जान लेते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मतलब ये जो बैटरी है ये डीसी बैटरी है। अब हम इसको एसी बनाएंगे। देखिए ये कन्वर्टर है डीसी से एसी। इस बैटरी वाला जो है, इससे हम, ये बैटरी है, इससे कुछ भी चार्ज नहीं होगा। मोबाइल बैटरी और बल्ब कुछ नहीं चलेगा इससे। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ दो तार जाता है। एक तार ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमको लगाना है, और दूसरा तार नेगेटिव है, तो नेगेटिव में लगाना है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, इधर एक पावर का है, एक ओवरलोड का है। जब हम ऑन करेंगे तो पावर का दिखा देगा और यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। देखिए हम जैसे ही इधर पावर ऑन करते हैं, देखिए आप इधर लाइट जलना शुरू हो गया है, आप लाइव भी देख सकते हैं। देखिए बंद किया, जैसे ही मैंने बंद हो गया, उधर वाला लाइट जलना शुरू हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ऑन है यहाँ पर का। अब हम आपको यहाँ पर से मोबाइल एक चार्ज करके दिखाते हैं। मोबाइल का अडेप्टर हो गया, हम इसे इसमें डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे डाल दिया है और इसको मैं इस मोबाइल में मैं डाल देता हूँ। देखिए ये अभी कितना परसेंट चार्ज है, 58% चार्ज है। ये देखिए अब यहाँ पर कुछ चार्जिंग का सिंबल नहीं दे रहा। अब देखिए हम इसमें लगा रहे हैं, देखिए लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे दे रहा होगा 58 चार्जिंग। अब हम यहाँ पे देखिए, देखिए 58 है। और यहाँ पे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आवाज़ भी आ रहा है सन सन का, तो वो इसके अंदर हीट सिंक कर रहता है, वो हीट सिंक रहता है, वो सन सन करता है। और यहाँ देखिए ये मेरा अभी तक चार्ज ही हो रहा है, 58% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सभी वायर यहीं पर का है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, पूरा एकदम यहीं का है। यही बैटरी है, कन्वर्टर है, चार्जर है, बस और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ेगा ही चार्जिंग, 58 ही अभी हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओवरलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। और यहाँ पर लिखता है पंखा आदि ना चलाएं, पंखा ये सब नहीं आपको चलाना है। कलर टीवी, डीवीडी, डीटीएच, 11 वाट, सीएलएफ, मोबाइल चार्जर, यही सब आपको चलाना है। और ब्लैक एंड वाइट टीवी, वीसीडी डेक, ट्यूबलाइट, पंखा, ये सब नहीं चलाना है, ठीक। अगर, और यहाँ पे दिखा रहा कि डीसी कन्वर्टर में अपलोड होने, ओवरलोड होने पर बंद कर दें। ये जो स्विच है, ये जब यहाँ पर बल्ब है, जब यहाँ पे जलेगा तो यहाँ पर का स्विच बंद कर देना है। पुनः पुनः
वहाँ पर पूरा लिख दिया, पुनः लिखना चाहिए, पुनः 5 मिनट बाद चालू करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 59% हो गया है। ऐसे ही करके ये सभी चार्ज हो जाता है। तो मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा ये वाला कैसे चार्ज होता है। और हाँ, मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस लगभग आपको 700 में पड़ जाएगा न्यू वाला, और इसका भी प्राइस लगभग आपको 250 से 300 में पड़ जाएगा न्यू वाला। और ये देखिए दोस्तों, मेरा चार्ज होता ही है, और मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसका चार्ज कैसे करें।